नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बधाई हो, नफरत में हम विश्व गुरु बन गए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में अभी वक्त है। 2047 में विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा, इंतजार करिए। 1000 साल बाद वाला भारत कैसा होगा, मोदी जी ने बता ही दिया था। लेकिन 2024 में ही हम विश्वगुरु बन जाएंगे, ये बात मोदी जी ने बताई नहीं थी, लेकिन बन गए। अब हिंदू मरीज मरता है तो मर जाए, मुसलमान का खून उसको नहीं चढ़ेगा। ये किसी का फरमान नहीं है, ये एग्जीक्यूशन है। ऐसा हुआ है और कहां हुआ है? मध्य प्रदेश, मोहन यादव के मध्य प्रदेश। होड़ लगी हुई है, इस पर हमने कई एपिसोड किए, खासकर 3 राज्यों में और 3 मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है। कौन ज्यादा नफरत फैला सकता है, कौन ज्यादा विभाजन कर सकता है? उत्तर प्रदेश महाराज जी, मध्य प्रदेश मोहन यादव और असम हिमंता बिस्व शर्मा। हालांकि पीछे पीछे इस कतार में चुनावी राज्य हरियाणा, महाराष्ट्र, यानी डबल इंजन जहां भी है तो 2 इंजन समाज को बांटने में लगे हैं, लेकिन 3 राज्यों में होड़ मची हुई है। आप याद कीजिए, इस खून वाली कहानी के पहले, अभी सप्ताह भर पहले, मोहन यादव ने संवैधानिक पद पर बैठकर एक सूबे का मुख्यमंत्री होते हुए क्या बयान दिया था? वही रहेगा जो राम और कृष्ण की जय बोलेगा। अब बुद्ध को मानने वाले नहीं रह सकते, जैन के अनुयायी महावीर जैन के उपासक नहीं रह सकते, ईसा मसीह के फॉलोअर नहीं रह सकते, पैगंबर को मानने वाले इस्लाम के उपासक नहीं रह सकते, फॉलोअर नहीं रह सकते, रामकृष्ण की जय बोलना पड़ेगा। जब सत्ता के शीर्ष से ऐसे संदेश दिए जाते हैं नफरती, तो नीचे तक उनका प्रसार होता है और पूरे मजबूती से होता है। ऐसे ही मामला आया है, एक एक कड़ी अब आप सुनिए, और अक्सर आप थंबनेल में देखते होंगे, दिल थाम के बैठिए सरकार गिर जाएगी, दिल थाम के बैठिए सत्ता बदल जाएगी, खेला हो जाएगा। कुछ नहीं, आज दिल थाम के बैठिए क्योंकि विश्व गुरु बन गए हैं नफरत। मामला मध्य प्रदेश के पन्ना का है और सरकारी अस्पताल का है। पन्ना के सरकारी अस्पताल में पवन सोनकर, ये पन्ना में अजयगढ़ है, वहां के रहने वाले पवन सोनकर, उनकी मां की तबीयत खराब थी तो अपनी बीमार मां को उन्होंने पन्ना के सरकारी अस्पताल में, जो जिला अस्पताल है, उसमें एडमिट करवाया। तबीयत गंभीर थी, ब्लड की जरूरत पड़ी, खून की जरूरत पड़ी, अस्पताल ने कहा खून चाहिए। पवन अपने एक दोस्त के साथ अस्पताल में पहुंचे और जो ब्लड बैंक का काउंटर है वहां गए ब्लड डोनेट करने के लिए। ये सिस्टम सरकारी प्राइवेट सब जगह है कि ब्लड डोनेशन में अगर सेम ब्लड ग्रुप ना भी मिले तो अगर आपको 2 यूनिट ब्लड चाहिए तो 2 यूनिट आपको ब्लड डोनेट करवाना पड़ता है ब्लड बैंक, फिर ब्लड बैंक में से सेम ब्लड ग्रुप आपको मिल जाता है जिसकी चाहिए होती है, जिस ग्रुप का ब्लड आपको चाहिए होता है। तो अपने एक जो है साथी को, दोस्त को लेकर के पहुंचे। अब दुर्भाग्य बस इतना था कि वो दोस्त मुसलमान था और वो मुसलमान दोस्त अपने हिंदू दोस्त की मां को खून देने के लिए तैयार था क्योंकि दोस्त था। अस्पताल में ब्लड बैंक के काउंटर पर जब पवन ने कहा कि इनका आप ब्लड ले लीजिए, और जैसे ही उस काउंटर पर जो मौजूद था शख्स उसने मुस्लिम नाम देखा तो उसने मना कर दिया, कहा कि ये खून हम, ये ब्लड हम नहीं ले सकते। ये मामला आज का नहीं है, ये मामला पुराना हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मध्य प्रदेश में, जिले जिले, चाहे बड़वानी हो, चाहे छतरपुर हो, चाहे पन्ना हो,
जिले जिले में जो इस तरह से मुसलमानों को लेकर के भेदभाव वाली खबरें आ रही हैं, इनको लेकर के एक सर्वदलीय एक समूह गया था छतरपुर, जहां पर 10 करोड़ की कोठी एक मुसलमान की गिरा दी गई और उस पर वाहवाही खूब किया, सरकार ने भी किया, अंधभक्तों ने भी किया, सनातन को जो बचाने के लिए निकले लोग। उसी सिलसिले में कांग्रेस की के तरफ से दिग्विजय सिंह थे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि थे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि थे, राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि थे, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि थे, समानता दल के प्रतिनिधि थे। ये सारे छतरपुर होकर के आए थे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह ने इस पन्ना वाली घटना की चर्चा कर दी। तब इस मामले पर कुछ मीडिया समूहों ने पड़ताल शुरू की। जब पड़ताल शुरू की तो पता चला, जब ये मामला हुआ था उस वक्त जो ब्लड बैंक के काउंटर पर और पवन, जिनकी मां को ब्लड चाहिए था, पवन सोनकर, उनके बीच जो वार्तालाप हुई थी उसका 46 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था। वो 46 सेकंड का जब वीडियो वायरल हुआ तो स्थानीय मीडिया और जो लोकल, जिनमें इक्का दुक्का, स्थानीय मीडिया भी नहीं कह सकते, इक्का दुक्का जिनकी रीढ़ है अभी, ऐसे पत्रकारों ने, ऐसे छोटे सोशल मीडिया के पत्रकारों ने, उन्होंने इस खबर को दिखाया, लेकिन खबर वहीं दम तोड़ दी, दफन हो गई। ऐसी खबरों को आपके जो बड़े बड़े योद्धा दिन रात हिंदू मुस्लिम के मेज पर, कुर्सी पर खड़े होकर के एंकर आए डिबेट करते हैं, उनकी उनकी रुचि नहीं है इसमें, वो मुस्लिम किरदार ढूंढते हैं। अगर यही कोई मुस्लिम बोल दिया होता कि हिंदू का खून नहीं चाहिए, हिंदू का खून मुसलमान को नहीं जो है हम चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, तब ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज बनती। कई दिनों तक खून आपका जला देते, सुखा देते, ऐसी डिबेट होती गर्मा गर्म, भट्टी में खून तप जाता, उबाल, खून में उबाल जब तक नहीं मार देता सनातनियों के, तब तक डिबेट चलती कि आखिर कैसे एक मुसलमान हिंदू का खून लेने से इनकार कर दिया। फिर तो खून में उबाल आना ही था, फिर खून नहीं वो पानी है, उबाल अगर नहीं आया तो। लेकिन ये मामला उल्टा था, इसलिए यहां पर सन्नाटा था। अब जब ये मामला सामने आया तो उस 46 सेकंड के कुछ मीडिया समूहों ने उस 46 सेकंड के वीडियो को ढूंढ निकाला। उस वीडियो में जो बातचीत हुई है, वो बातचीत में लाइन वाइज आपको बता देता हूं। जो पवन सोनकर, जिनकी मां को खून चाहिए था, उन्होंने कहा, जब मना करता है काउंटर वाला शख्स कि हम नहीं ले सकते खून, तो उन्होंने कहा, किसने कहा कि इनका खून नहीं चढ़ेगा। इस पर ब्लड बैंक के काउंटर वाला बोलता है, हाँ हाँ मैंने कहा है, हमने कहा है, वो है हिंदू और ये मुसलमान, यानी वो है हिंदू जिसको खून चढ़ना है, पवन सोनकर की माँ को, वो हिंदू है और ये देने वाला मुसलमान है। तो पवन सोनकर कहते हैं कि उससे क्या प्रॉब्लम, तो कहता है प्रॉब्लम है ना, डोनर आते हैं यहाँ पर, हम लोगों को नौकरी का चक्कर होता है, यानी अगर हिंदू एक माँ को मुसलमान का खून चढ़ जाएगा तो नौकरी जा सकती है सरकारी अस्पताल में। ये तो बड़ी खतरनाक बात बताई, क्या ऐसा भी ऊपर से कोई संदेश है, रिटर्न ना हो, वर्बल हो, जुबानी संदेश दिया गया हो कि नहीं भाई आप लोग भी विश्वगुरु बनने में, आप जहां ब्लड बैंक में बैठे हो तो ब्लड बैंक में, फार्मास्यूटिकल में हो तो फार्मास्यूटिकल में, हर जगह पर नफरत में विश्वगुरु बनाने का अपना प्रयास आप लोग शुरू कर दो। फिर आगे कहता है पवन सोनकर, जिसकी माँ को खून चाहिए, कि आप लिख करके दे दीजिए बात कि किसी मुस्लिम का खून किसी हिंदू को नहीं चढ़ेगा, ये लिख करके दे दीजिए। अब मैंने कहा लिखित में कैसे विश्वगुरु बनेंगे, जुबानी विश्वगुरु हैं सब, तो जुबानी ही लफाजी चल रही है 10 साल से, तो जुबानी। तो तुरंत वो कहा कि नहीं जी, ये हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, यहाँ पर जो डोनर आते हैं प्रॉब्लम वो है, डोनर जो है। तो फिर पवन जायसवाल ने कहा कि जब डोनर तैयार है तो फिर आपको क्या दिक्कत है, ये 46 सेकंड की वीडियो में इतना ही है, यहीं पर ये वीडियो कट जाता है। अब सोचना आपको है
कि आपको भी, अगर आप बीमार हैं, आपका परिजन बीमार है, खून चाहिए, तो मुसलमान का खून लेंगे या नहीं लेंगे, या हिंदुत्व के और सनातन की रक्षा के अभियान में आप भी लगे हैं। मैं मुसलमानों से भी ये सवाल करूंगा। लोग कहते हैं नहीं जी, सवाल हम पर करते हैं कि ना आप सनातनी नहीं हो, आप मुसलमानों का पक्ष लेते हैं। ये सवाल मुसलमानों से भी करूंगा मैं, जो भी दर्शक हैं वो जरूर जवाब दें कि भाई आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है कि किसी हिंदू का खून अगर आपको चढ़ाया जाए। मेरे व्यक्तिगत अनुभव ऐसे है, मैं इस वीडियो में नहीं चर्चा करना चाहता। मेरे सबसे प्रिय, सबसे अजीज जो तमाम सारे लोग हैं, उनमें से कई सारे मुस्लिम हैं। और कई बार ऐसा हुआ, एक बार तो मुझे हॉस्पिटलाइज बहुत गंभीर कंडीशन में होना पड़ा, तो कोई नहीं था। एक मेरे छोटे भाई जैसा मुस्लिम है, मेरा रिपोर्टर हुआ करता था, फिर परिवार जैसा हो गया, वो आनंद फानंद में हॉस्पिटल में ले जाकर के आईसीयू में एडमिट करवाया। तो ये आप लोग भी बताइए, हिंदू जो दर्शक है और मुसलमान दर्शक, दोनों बतावें कि उन्हें विश्वगुरु बनना है या भाई भाई बन के रहना है। अब आगे कहानी बढ़ाते हैं, कहानी यहीं पे नहीं रुक रही है। ये नफरत का सिलसिला है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भी मुजफ्फरनगर की घटना है। मुजफ्फरनगर में एक भरतिया कॉलोनी है, वहां पर एक मुसलमान ने घर ले लिया। अब वहां पर हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जी उस घर में नमाज पढ़ी जा रही। भाई साहब, अगर मैं अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, किसी मुसलमान को ऐतराज होता है, तो समझ लीजिए वो मुसलमान इस देश के अमनो चैन के लिए ठीक नहीं है। और मेरे पड़ोसी अगर मुसलमान के घर में नमाज पढ़ी जा रही है, वो नमाज पढ़ रहा है, और मुझे उसके नमाज पढ़ने से ऐतराज है, तो मैं इस देश के अमन चैन का दुश्मन हूं। अब हालात ये, इससे पहले ऐसा ही एक मामला बरेली में आया था। वहां पर एक मुस्लिम महिला ने घर खरीद लिया, हिंदू नहीं बेचा था। अब बेचने वाले ने ये नहीं सोचा होगा कि उस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में वो रह रहा है, उस बेचने वाले हिंदू को नहीं पता था कि इस मोहल्ले में सारे सनातन के रक्षक, ये जो नई ब्रिगेड तैयार हुई है, सारे उस ब्रिगेड में शामिल हो चुके हैं। उसने एक मुस्लिम महिला को, महिला मतलब परिवार भी उसके पास नहीं था, शायद महिला अकेली थी, पति नहीं था, उसने ले लिया। बवाल हो गया, कई दिन मैंने सोशल मीडिया पर देखा, वहां पर प्रदर्शन जो है वो 5-7 इकट्ठा होकर के प्रदर्शन कर रहे थे कि क्रांति कर देंगे यहाँ पर, कैसे हमारे रीति रिवाजों में खलल हो जाएगी, इसी रास्ते से वो नॉनवेज लेकर के जाएंगे। इस देश में नॉनवेज के, बीफ के एक्सपोर्टर से लेकर के और खाने वाले तक के आंकड़े मौजूद हैं। मैं नहीं कहूंगा, आप स्वयं उन आंकड़ों को पड़ताल कर लीजिए कि उन आंकड़ों में मुसलमानों की क्या भागीदारी है, कितनी हिस्सेदारी है, और हिंदुओं की कितनी है, चाहे खाने वाले हों और चाहे एक्सपोर्ट करने वाले, दोनों में। एक्सपोर्ट वाले में तो परसेंटेज है और वहां तो परचम लहरा रहा है, सारे बड़े बीफ एक्सपोर्टर सब हिंदू हैं, और उनकी कोठी के अगल बगल में रहने पर सनातन हिंदुत्व की धर्म ध्वजा लहराती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये नफरत अगर इसको रोका नहीं गया, तो जो आज जश्न मना रहे हैं, जैसे कभी बुलडोजर पर जश्न मना रहे थे, आज रो रहे हैं लोग कि वो बुलडोजर का रुख बदल गया, इस नफरत पे भी जश्न मनाने वाले पछताएंगे। अमरोहा की बात करते हैं, वो 4 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को, 4 मिनट के वीडियो को मैं नहीं दिखाना चाहता, जिस तरह से बातें हैं उसमें। एक 7 साल का बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, 7 साल का बच्चा, उसको प्रिंसिपल कहता है कि अभी नाम काट रहा हूं, हटाओ। उसकी मां आती है, माँ की और प्रिंसिपल की बातचीत है वीडियो में, आपको देखना होगा। मैं चर्चा कर रहा हूं उसको, उस विषय की, आपको वीडियो पूरे सोशल मीडिया में आपको एक्स पर मिल जाएगा। प्रिंसिपल
प्रिंसिपल कहता है कि नहीं ये टिफिन में नॉनवेज लेकर के आया था, इसे नहीं रख सकते। जिन्हा करती है माँ की नॉनवेज नहीं था, और मैं कहता हूं कि था भी तो नॉनवेज के उस पर आप नाम काट दोगे, हटा दोगे। तो आगे वो प्रिंसिपल बोलता है कि जो बड़े होकर के हमारे मंदिर तोड़े हम उनको स्कूल में नहीं रख सकते। ये प्रिंसिपल ना हुआ, ये बाबा वेंगा हो गया, ये नास्त्रदमस हो गया। 7 साल के कितना जहर भर चुका है। ये जहर के डोज, कोई वैक्सीन खत्म हो जाएगी, ये जहर नहीं खत्म हो रहा है, लगातार इंजेक्ट किया जा रहा है। बताइए 7 साल के, 6.5-7 साल के बच्चे को और प्रिंसिपल, ऐसे आदमियों को तो जहां पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैद करके रखा जाता है उनको दुरुस्त करने के लिए, वहां पर रखना चाहिए। ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, ये मानसिक बीमार लोगों को कैद में रख करके इनका इलाज किया जाना चाहिए। और ये स्कूलों में है, ये इस देश का भविष्य। नफरत बुझी हुई, जैसे जहर बुझी जो है वो तलवार होती है, वैसे नफरत बुझी हुई जो है पीढ़ी, भावी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। कहता है जो बड़ा होकर के हमारे मंदिरों को तोड़ेगा, ऐसे बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते। आगे कहता है कि नहीं, ये क्लास में कहता है 30 बच्चों की क्लास में, वो इकलौता मुसलमान बच्चा 7 साल का, कहता है कि मैं सबको मुसलमान बना दूंगा। आज के समय में जो 5-6 साल के बच्चों में, और माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं, बच्चा हमारा कट्टर बिल्कुल हिंदू है, पक्का एकदम रक्षक बने, जब उस बच्चे के भविष्य में अंधकार छा जाएगा, तब आप अगर बुढ़ापे में उस समय जिंदा रहेंगे तो आप ही भोगेंगे। और तब वो बच्चा कहेगा कि तुम ही लोग, हम 5-4 साल के बच्चे अब होते, हमें क्या समझती, तुम ही ने BCG, DPT, पोलियो के खुराक जैसे टीका, जैसे शायद BCG, DPT, चेचक खसरा का टीका भूल गए होगे, लेकिन नफरत का टीका तुमने बचपन में खूब लगवाया मुझे। कैसे एक बच्चा 7 साल का, 6 साल का बच्चा 30 बच्चों के क्लास में कह रहा है कि हम सबको मुसलमान बना देंगे, ऐसे झूठ फरेब पे। ये नफरत स्कूल में, बताइए स्कूल में जांच के ढकोसले होते रहेंगे। फिर बात, खबरें ऐसी एक दर्जन हैं। महाराष्ट्र से शुरू करें, महाराष्ट्र का एक विधायक और उसका सांसद बाप बदजुबानी की हर सीमा लांग जाते हैं, कहते हैं मस्जिद में ऐसा घुस के कर देंगे। हर जगह पे, हरियाणा में एक मुस्लिम मजदूर गौरक्षक उसकी जान ले लेते हैं, मुख्यमंत्री कहता है कि गायों को लेकर आस्था है, ऐसे में कभी रोकना मुश्किल हो जाता है। और वही गौरक्षक जब एक ब्राह्मण बच्चे, बताना जरूरी है जब नफरत इतनी है तो जाती, आर्यन मिश्रा 12वीं का बच्चा, उसकी जान ले लेते हैं, कोई हाल पूछने वाला नहीं है, कोई हाल पूछने वाला नहीं है, न कोई हिंदुवादी संगठन वहां मुंह दिखाने जा रहा है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि दिखाने जा रहा है। उसका बाप, उस बच्चे का पिता लगातार सोशल मीडिया पर, जो तमाम पत्रकार हैं वो जा रहे हैं उसकी बाइट लेने, मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं, उसकी बातें सुन सुन के लग रहा है उस जिस कदर कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त होता जा रहा है, पिता जिसने अपने 18 साल के बच्चे को खोया है। क्या क्या बोल रहा है वो पिता कि मैं बोल दूंगा अगर इनकी सच्चाई, मैं हिंदू मुसलमान भाइयों सबको अपने जाने से पहले, दुनिया जाने के पहले मैं बताऊंगा सच्चाई क्या है। उसकी मां की स्थिति देखिए, कोई नहीं, वो आर्यन हिंदू था, सनातनी था, और सनातनियों में भी मनोज शुक्ला मुंतशिर जैसा वो मुंबई में बैठा एक गीतकार के नाम पर जाहिल, जो बता रहा था
मैं उसके हिस्से भी अगर चाहूं तो इसमें कुछ हिस्सा लगवाने को सोचता हूं, आप सुन भी लीजिएगा। जो कहता है कि हिंदुत्व का शीर्ष है ब्राह्मण, ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था बनाई, उससे जो दलित है, पिछड़े हैं, उनके लिए बनाई। शादियों में महावर पैर में लगता है, वो महावर नाइन लगाती है, नाऊ की पत्नी होती है, देखिए उससे उसकी जिंदगी चलती है। कितना बड़ा सिस्टम बना दिया, हम खुदा हो गए, इंसान का तकदीर तय करने लगे, भगवान हो गए। सुहागन की मांग में वो मनोज शुक्ला मुंतशिर, वो शुक्ला शुक्ला मुंतशिर से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो कथित राष्ट्रवादी हैं, इस समय स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, वो कहता है कि शादी में मांग में सिंदूर पति पहले नहीं भरता, धोबिन भरती है। ब्राह्मणों ने देखिए क्या सोच के बनाया था कि मांग में सिंदूर धोबिन भरेगी, उसका उसको नेक मिलता है, नेक मतलब होता है शादी ब्याह में जो पैसा दिया जाता है, नेक मिलता है, ऐसे उसकी जिंदगी चलेगी। ये सामाजिक व्यवस्था। और ये ब्राह्मण के, जब ब्राह्मण का वो होगा अपमान, तो फिर सनातन खतरे में। तो है ना सनातन खतरे में, हरियाणा में गोरक्षकों ने एक ब्राह्मण बेटे की जान ले ली। कहाँ है मनोज शुक्ला मुंतशिर? जाए एक बार उस बच्चे 18 साल के ब्राह्मण बच्चे के पिता से जरा मिल ले, और उसको समझा दे उसके पिता को कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण शिरोमणि है, गोरक्षकों ने ऐसा किया, उसको जायज बताए, समझाए वो मनोज शुक्ला मुंतशिर। ये संविधान को मनुस्मृति से रिप्लेस करवाने की एक बड़ी कोशिश के पार्ट हैं, जिस मनुस्मृति में सिर्फ गले में मटका लटकाया हुआ दलित होगा, पिछड़ा होगा, जमीन पर बैठा हुआ, वहां न हिंदू होगा न मुसलमान होगा, वहां शोषण का एक बस सिस्टम होगा, शोषण का तंत्र होगा। और उसी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए और स्थापित करने के लिए बहुत गहराई से काम हो रही है। वो ब्लड बैंक में मुसलमान का खून इनकार करके सनातन और हिंदुत्व को नहीं मजबूत किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से इस बंटवारे को इस स्तर तक लाना है कि संविधान कमजोर पड़ जाए, मनुस्मृति फिर आ जाए। इजाजत दीजिए, इस वीडियो में घटना के साथ साथ कुछ मैं भावनात्मक रूप से अतिरिक्त अपनी बातें भी रख गया, अगर किसी को कुछ उसमें बुरा लगा हो तो पहले ही खेद प्रकट कर देता हूं। लेकिन इस मनुस्मृति के सिद्धांतों को रत्ती भर एक्सेप्टेंस कम से कम हमारे जैसे लोगों से कभी नहीं मिल सकता है। हम आज भी अंबेडकर के उस दिन को सलूट करते हैं, उस दिवस को मैं तो चाहता हूं सेलिब्रेट किया जाए, जिस दिवस पे, जिस दिन पे बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी इस देश में। इंसान मनुस्मृति से नहीं चल सकता, संविधान से ही चले। और ऐसे नफरती जो नफरत में विश्वगुरु बना रहे हैं या बना चुके हैं, चाहे वो पन्ना में हो, चाहे बड़वानी में हो, जहां पत्थरबाजी के आरोप में एक ऐसे शख्स पर कार्रवाई हो गई जिसके दोनों हाथ नहीं थे, हुजूर दोनों हाथ नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे, पत्थरबाजी में उस पर एक्शन हुआ, पारा ओलंपिक आज खत्म हो गया। उसे भेज देते तो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल ले आता, बगैर दोनों हाथ के जो पत्थरबाजी कर सकता है। ये मध्य प्रदेश की हालत है, उसी मध्य प्रदेश की जहां के मुख्यमंत्री कहते हैं रामकृष्ण की जय नहीं बोलेगा वो नहीं रहेगा। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, सच की आवाज, निर्भीक और निष्पक्ष आवाज। ये सिर्फ निवेदन नहीं है, या आपकी जिम्मेदारी भी है, इसको मजबूत करने में हमारी मदद करें आप।
इसके सिवाय हमारे पास और कोई पूंजी नहीं है, आपकी ताकत, आपका सहयोग, आपका स्नेह ही हमारी ताकत है। नमस्कार।